हेलो दोस्तों, दिसंबर आ गया है और इस महीने में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है आधार लिंकिंग करना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि 31 मार्च 2018 तक अगर लिंक करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और बहुत सारे को ये भी लगता है कि एज बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया तो हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आधार लिंकिंग का लास्ट डेट क्या है, आप कब तक मोबाइल लिंक कर पाएंगे, कब तक इंश्योरेंस में, म्यूचुअल फंड में, बैंक अकाउंट में, सब में आधार कब तक आप कर पाएंगे और कैसे आप कर पाएंगे। दोस्तों ये सीरियस इशू है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं रेगुलर बेसिस पे फिनेंशियल टॉपिक पे वीडियो अपलोड करता हूँ जो आपको डे टू डे फिनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों आप शुरू करते हैं। दोस्तों पहला जो चीज़ है कि बैंक अकाउंट लिंकिंग। बैंक अकाउंट लिंकिंग में बहुत सारे कन्फ्यूजन है मार्केट में। पहले को कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने एक रूल लाया कि 31 मार्च तक एक्सटेंड किया गया, लेकिन वो बैंक अकाउंट लिंकिंग के लिए नहीं। वो ये कहा गया जिसके पास आधार कार्ड अभी नहीं है वो 31 मार्च 2018 तक लिंक कर पाएगा, और वो बेनिफिट सिर्फ सोशल बेनिफिट एक्सटेंड करने के लिए है। मतलब गैस का जो सब्सिडी मिलता है ये सब 31 मार्च 2018 के बाद नहीं मिलेगा। लेकिन बैंक में आधार लिंकिंग का डेडलाइन 31 दिसंबर है दोस्तों। हाँ दोस्तों, बैंक में आधार लिंकिंग का डेडलाइन 31 मार्च दिसंबर है, और अगर आप ये लिंकिंग नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। ये कोई थ्रेट नहीं है दोस्तों, इट्स वेरी सीरियस। अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया तो बहुत दिक्कत में आप पड़ सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप ब्रांच में जाके आधार लिंक कर सकते हैं, आप इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, आप एटीएम से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप इंश्योर कीजिए कि आधार लिंकिंग हो जाए, अगर नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। और एक चीज़, बहुत सारे के पास मैसेज आ रहा है कि आधार सबमिट करने के बाद कुछ दिन बाद एक मैसेज आ जाता है कि आपका जो आधार लिंकिंग है वो इनएक्टिव हो गया है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आधार में जो आपका एड्रेस है, जो पिन कोड है, ये सब अगर बैंक के डेटा से मैच ना करे, इसको डेमोग्राफिक डेटा कहा जाता है, तो बाद में बहुत सारे केसेस में बैंक जो आधार लिंकिंग कर रहा है वो डीएक्टिवेट हो जा रहा है। तो इसीलिए दोस्तों आप इंश्योर कीजिएगा कि आपका जो आधार में एड्रेस है वही बैंक अकाउंट में हो, नहीं तो आप जितने बार भी आधार बैंक में जमा करेंगे बाद में वो डीएक्टिवेट हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका आधार में जो एड्रेस है वो गलत हो, नहीं तो नाम का कोई डिफरेंस है, वो इजीली आप ऑनलाइन अप्लाई करके उसको चेंज कर सकते हैं अगर आधार में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर हो। तो क्या करना पड़ेगा, आधार का साइड में जाके आप ओटीपी की हेल्प से वो डेटा चेंज कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है तो लोकल जो आधार सेंटर है वहाँ पर जाके आप चेंज कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि बैंक अकाउंट और आधार अकाउंट में अगर नाम का डिफरेंस आया तो बैंक आपका आधार जो एनरोलमेंट, मतलब रजिस्ट्रेशन, वो नहीं करेगा। और अगर आपके पास अभी भी आधार कार्ड नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, आधार एनरोलमेंट का जो नंबर है आप अप्लाई कर दीजिए, और आधार एनरोलमेंट का जो नंबर है वो बैंक में सबमिट करके एक रिसिप्ट लेके रख दीजिए। क्योंकि दोस्तों 31 दिसंबर के बाद अगर गवर्नमेंट ने एक्सटेंड नहीं किया तो बहुत दिक्कत होने वाला है। आप इंश्योर कीजिए आपका अकाउंट से अदर लिंक हो जाए। दूसरा जो डेडलाइन है दोस्तों वो है कि म्यूचुअल फंड के साथ आधार लिंकिंग। ये अगर आप म्यूचुअल फंड के साथ आधार लिंकिंग 31 दिसंबर 2017 के बीच में नहीं किए तो आपका जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है वो फ्रीज हो जाएगा। स्पेशली एसआईपी जो किया है उनका एसआईपी स्टॉप भी हो सकता है। तो 31 दिसंबर में म्यूचुअल फंड में आधार लिंकिंग रिलेटिवली इजी है। अब दो साइट है, कैम्प्स ऑनलाइन और कार्वी, ये दोनों में आप आधार लिंकिंग कर सकते हैं आपका म्यूचुअल फंड से। दोनों साइट मैंने इसीलिए बोला क्योंकि कैम्प्स ऑनलाइन अराउंड 15 म्यूचुअल फंड कंपनी का वो उसके पास KYC है, और दो चार जैसे कि रिलायंस म्यूचुअल फंड ये और इस टाइप का है जो कर्वी से डील करता है। तो दोनों के पास आप आधार लिंकिंग कर दीजिए म्यूचुअल फंड में। इससे क्या होगा कि आपका म्यूचुअल फंड का आधार लिंकिंग हो जाएगा, लेकिन आप इंश्योर कीजिए 31 दिसंबर 2017 में ये हो जाए। इसके बाद है दोस्तों इंश्योरेंस। ये थोड़ा दिक्कत की चीज़ है। इंश्योरेंस में भी आपको 31 दिसंबर 2017 तक आपको लिंक करना है। आप ये
कोई ब्रांच जो इंश्योरेंस का ब्रांच है वहाँ पे जाके फॉर्म फिलअप करके आप कर सकते हैं, नहीं तो इंडिविजुअल जो इंश्योरेंस का पोर्टल है, जैसे कि आप LIC करते हैं तो LIC का ऑनलाइन जो पोर्टल है, नहीं तो SBI म्यूचुअल फंड सॉरी SBI लाइफ करते हैं तो SBI का जो पोर्टल है वहाँ पे लॉग इन करके भी आप आपका जो इंश्योरेंस के साथ आधार लिंकिंग कर सकते हैं। अगर आप इंश्योरेंस के साथ आधार लिंकिंग नहीं करेंगे तो 31 दिसंबर 2017 के बाद वो पॉलिसी इनएक्सेसिबल हो जाएगा एंड हो सकता है कि आप अगर क्लेम निकले हुआ तो वो डिक्लाइन भी कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी। इसके बाद है कि पोस्ट ऑफिस का NSC KBP PPF और सुकन्या समृद्धि जो गवर्नमेंट स्कीम है उनका भी डेडलाइन 31 दिसंबर 2017 है, इसमें भी आपको आधार लिंकिंग करना है। अगर आपका PPF अकाउंट है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि PPF में लिंक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर PPF है, NSE है, KBP है, उसमें भी आपको आधार लिंकिंग करना पड़ेगा। इसके बाद जो है कि वो है कि मोबाइल के साथ आधार लिंकिंग, ये अभी भी बहुत कंबसम है क्योंकि इजीली आप कोई भी साइट नहीं तो वेबसाइट में जाकर लिंक नहीं कर पाएंगे। आपको कोई भी जो कंपनी के साथ आपका मोबाइल है उनका कोई भी रिटेल स्टोर में जाके आपको आपका जो आधार है वो मोबाइल के साथ लिंक करना पड़ेगा। और ये लिंक का डेडलाइन है 28 फरवरी 2018 के पहले आपको आधार लिंकिंग आपका मोबाइल के साथ करना पड़ेगा। अभी तो नया जो मोबाइल कनेक्शन ले रहे हैं उन लोगों को ऑलरेडी वो EKYC करवा ले रहा है आधार से, तो उन लोगों के लिए ज़रूरत नहीं है। वही EKYC पुराना मोबाइल के लिए भी करना पड़ेगा। आप कोई भी लोकल जो स्टोर है वहाँ पे जाके बुक कर सकते हैं। अगर 28 फरवरी 2018 के बीच में आप नहीं लिंकिंग करेंगे तो आपका मोबाइल डीएक्टिवेट हो सकता है। इसके बाद है पैन के साथ आधार लिंकिंग। अगर आपका पैन का नाम और आधार का नाम सेम हुआ तभी आप पैन के साथ आधार लिंकिंग कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये इजीली आप इनकम टैक्स का जो साइट है वहाँ पे जाके कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी जगह स्टोर में जाने कोई जगह पे जाने में कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है पैन आधार लिंकिंग का, वहाँ पे जाके आप पैन आधार लिंक कर दीजिए इनकम टैक्स के लिए। अगर आप वो नहीं करेंगे तो 31 दिसंबर 2017 के बाद आप इनकम टैक्स फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये एक पार्ट आप कर लीजिएगा, लेकिन नहीं तो बाद में बहुत ही दिक्कत होने वाला है। और लास्ट जो डेडलाइन है वो है कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम और जो भी गवर्नमेंट स्कीम है उनका बेनिफिट लेने के लिए आपको आधार लिंकिंग करना है। वो एक्चुअली अकाउंट के साथ ही करना है। उनका डेडलाइन वो लोगों ने रखा है 31 मार्च 2018। अगर आपके पास आधार नहीं हो तो ठीक है, मतलब अगर आधार है तो आपको 31 दिसंबर 2017 में ही करना है, लेकिन अगर आपके पास आधार नहीं है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने जो टाइम है वो 31 मार्च 2018 तक एक्सटेंड किया है। लेकिन अगर आपके पास आधार है तो आप ये गलतफहमी में मत रहिए कि आपको भी मार्च तक टाइम मिलने वाला है, तो इतना रिस्क आप मत लीजिए। और अगर है तो आप कर लीजिए, नहीं तो आधार एनरोलमेंट सेंटर में जाके एनरोल करके जो एनरोलमेंट नंबर है वो एटलीस्ट बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर दीजिए, बा उनके पास एक एप्लीकेशन देके एक रिसिप्ट लीजिए। जो जहाँ पे भी आप काम करेंगे दोस्तों आप इंश्योर कीजिए कि आप एक रिसिप्ट आपके पास रखिए, क्योंकि बहुत सारी जगह क्या होता है कि बाद में वो लोग नहीं करते हैं और आपको सफ़र करना पड़ेगा। और एक चीज़, आपके पास फिर भी एक महीने टाइम है। आधार में अगर कोई डेटा आपका प्रॉब्लमेटिक लग रहा है कि आपका मोबाइल नंबर ठीक नहीं है, आपका एड्रेस ठीक नहीं है, आपका नाम ठीक नहीं है, तो आप इजीली आधार का साइट में जाके वो करेक्शन कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आपके पास ATM मोबाइल नंबर हो, अगर मोबाइल नंबर नहीं है मोबाइल रजिस्टर, तो कोई भी आधार एनरोलमेंट सेंटर में जाके वो करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि आधार गोइंग टू बी ए वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। लास्ट नॉट लीस्ट जो है कि NRI का आधार लिंकिंग, ये बहुत कन्फ्यूजन है सबके मन में। तो दोस्तों अगर आप NRI हैं तो आपको मैं बताना चाहूँगा, एज पर UIDAI आधार लिंकिंग उन लोगों के लिए कंपलसरी है जो आधार के लिए एलिजिबल है, और आधार के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको रेसिडेंट इंडियन बनना पड़ेगा। तो आपके लिए आधार लिंकिंग अभी कंपलसरी नहीं है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, अगर आप 182 डेज से ज़्यादा इंडिया के बाहर 5 साल रहते हैं, अगर आप NRI हैं, PIO है, तो आपको आधार लिंकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइन।
दोस्तों अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन आप लेना चाहे तो मुझे लगता है कि ये जो प्रोसेस है इससे लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन ये देश के लिए बहुत भला करेगा। क्योंकि क्या हो रहा है कि बहुत सारे क्रिमिनल एलिमेंट, नहीं तो टेररिस्ट, नहीं तो जो ब्लैक मनी होल्डर, वो अभी बहुत जगह पे पैसा फैला रखा है। कोई लोन बैंक में जाके वो डिफॉल्ट करता है और एक बैंक से वो लोन ले लेता है जिसको बैंक को पता ही नहीं चलता। इसके अलावा बहुत सारे जो आपको फ़ोन कॉल आता है कि मैं बैंक मैनेजर बोलता हूँ, ये बोलता हूँ कि फ्रॉड कर रहा है, उसका भी ट्रेस आउट बैंक पुलिस ठीक से नहीं कर पा रहा है। अभी अगर आधार के साथ मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, इंश्योरेंस, म्यूचुअल सब कुछ लिंक हो जाएगा तो ये पुलिस के लिए बहुत इजी होगा उनको ट्रेस आउट करना। और कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हो तो उनका फिंगरप्रिंट आधार का डेटा से मैच करके उनका इंटर डेटा पुलिस को मिल सकता है, जो मेरे देश के लिए बहुत भला करेगा। और जो ट्रांसपेरेंसी का बात चल रहा है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर गवर्नमेंट सक्सेसफुली ये इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो दोस्तों गवर्नमेंट का ये जो इनिशिएटिव है उसमें जोर शोर से आप भाग लीजिए और आपका आधार सब जगह पर लिंक कीजिए। होप आज जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया ये आपको हेल्प करेगा आपका जो आधार लिंकिंग का प्लानिंग है उसको ठीक से इम्प्लीमेंट करने में। और अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।